हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रिकी डॉज। ट्रिकी डॉज, योर एजुकेशन हॉर्स। हेलो गाइस, तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने इंक्लाइंड, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लगने वाले हाइड्रोस्टेटिक फोर्स का एनालिसिस किया था, साथ में फाइंड किया था टोटल फोर्स और सेंट्रल प्रेशर। ठीक है, तो आई होप आपको उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आज हम देखने वाले हैं हाइड्रोस्टेटिक फोर्स ऑन कर्व्ड सरफेस। ठीक है, जनरली कर्व्ड सरफेस जैसे किसी डैम की वॉल हो गई, ठीक है, कोई गेट हो गया, तो उन वॉल पे जो कर्व्ड सरफेस है उन पर लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है और उनकी डायरेक्शन क्या है वो देखने वाले हम आज के लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक कर्व्ड सरफेस ए बी कंसिडर किया, ठीक है, जो किसी फ्लूइड एट रेस्ट में सबमर्ज है। ठीक है, ये आपका हो गया फ्री वाटर सरफेस। ठीक है, और ये कर्व्ड सरफेस होगी ए बी। ठीक है, तो यहाँ से पर्टिकुलर एच जो फ्री सरफेस है, इसे पर्टिकुलर डेप्थ एच पे मैंने एक एलिमेंटल एरिया कंसिडर किया, दैट इज़ डी ए। ठीक है, तो इसका जो एरिया है इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज़ द डी ए एलिमेंटल एरिया। एलिमेंटल एरिया क्लियर आता है। अब हम देखता हूँ कि जब हमने हाइड्रोस्टेटिक लॉ स्टडी किया था तो हम देखा था कि जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे तो हाइड्रोस्टेटिक जो प्रेशर है उसकी वैल्यू भी कंटिन्यू क्या होगी, इंक्रीज, क्योंकि हम जानते हैं कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पी इक्वल टू क्या होता है, रो जी एच। ठीक है, तो यहाँ से पर्टिकुलर डेप्थ एच पे अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूँ, ये एक तरह से बिल्कुल स्मॉल स्ट्रिप है, ठीक है, एक तरह से पॉइंट मान सकते हैं इसको हम। तो इस पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर की इंटेंसिटी होगी पर्टिकुलर डेप्थ एच पे वो क्या होगी, तो यहाँ से लिख सकते हैं अपन प्रेशर इंटेंसिटी ऑन द एरिया डी ए इज कितनी होगी, रो जी एच, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जिसके अंदर ये कर्व सरफेस सबमर्ज है, जी अपना क्या हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड एच इज द डेप्थ ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द फ्री सरफेस। क्लियर है यहाँ से। अब हम देखते हैं कि हमारा जो प्लेन है ये कर्व्ड सरफेस है। ठीक है, तो इस पर लगने वाला जो प्रेशर है, जो प्रेशर एक्ट कर रहा है वो इसके क्या होगा, नॉर्मल डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। हम जानते हैं कि फोर्स अपॉन नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पर इसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा, जो इसको नॉर्मल फोर्स बोलेंगे, ये कुछ इस तरह से होगा, अब दैट इज़ नोटेड बाई डी एफ। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो यहाँ पर जो नॉर्मल फोर्स होगा डी एफ वो क्या होगा, इसको लिख लेते हैं अपन डी एफ फोर्स एक्ट नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल फोर्स होगा, प्रेशर फोर्स होगा, ये क्या होगा, तो डी एफ का जो अपने बताते हैं प्रेशर इंटू एरिया। ठीक है, प्रेशर पी इंटू एरिया क्या अपना डी ए पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ से प्रेशर की वैल्यू क्या जाएगी, रो जी एच इंटू डी ए, इक्वेशन नंबर वन। तो अपने पास ये क्या हो गया, प्रेशर फोर्स इन द पर्टिकुलर एलिमेंट डी ए। क्लियर है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो प्लेन है ये कर्व्ड है। ठीक है, तो यहाँ से हम जो टोटल फोर्स निकालेंगे तो यहाँ पर जो इसका जो इंटीग्रेशन करना है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स स्मॉल एरिया के ऊपर आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, बल्कि वो जो पॉइंट टू पॉइंट क्या कर रही है, वो वेरी कर रही है इसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो इसका जो इंटीग्रेशन करना है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसको रिजोल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, इसका एनालिसिस करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर कोई पॉइंट मैंने कई सी पॉइंट कंसिडर किया। ठीक है, और यहाँ से मैंने इसके एलिमेंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ की कुछ इस तरह से। ठीक है, और जो वो टेंजेंट है वो जब हॉरिजॉन्टल है इससे थीटा डिग्री एंगल पे है। ठीक है, ये कोई एंगल हो गया थीटा डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ ये एंगल थीटा है मेरे पास में, ये एंगल भी कितना होगा, यहाँ से थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये वाली जो लाइन है इसको हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मेरे पास ये एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। क्लियर है। तो मैं यहाँ से मैं देखता हूँ कि जो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है, जो मेरे पास डिस्टेंस है, इसको देखते हैं इस तरह से कुछ, ये मैंने कुछ ड्रॉ किया यहाँ से, तो ये एंगल थीटा है। तो ये जो डी एफ फोर्स है, ये
एरिया पर जो एरिया एलिमेंटल एरिया है इसके नॉर्मल डायरेक्शन मेट कर रहा है। दैट मीन्स कि मेरे पास ये जो फोर्स होगा ये कितना होगा जो इसके टेंजेंट के ऊपर होगा ये 90 डिग्री होगा। तो ये वाला फोर्स कितना होगा मेरे पास में 90 माइनस थीटा। ये वाला फोर्स कितना होगा मेरे पास में थीटा। दैट मीन्स कि ये जो जो मेरे पास वर्टिकल कंपोनेंट है वर्टिकल कंपोनेंट कितना एंगल बना रहा है ये थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो इस तो ये वहाँ जो प्रॉब्लम है कि इसका अपन इंटीग्रेशन नहीं कर सकते तो इसको ओवरकम करने के लिए क्या किया मेरे को, मैंने इसको डीएफ फोर्स को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लिया। दिस इज़ द वर्टिकल कंपोनेंट एंड दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। लेट्स कंसिडर ये हो गया आपकी वाई डायरेक्शन और ये हो गई एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से मैंने जो कंपोनेंट किया लेट ये आपको हो गया डीएफ वाई और ये हो गया डीएफ एक्स। क्लियर यहाँ से? तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये एंगल 90 डिग्री सॉरी थीटा डिग्री है और ये कितना रहेगा ये वाला एंगल हो जाएगा अपना ये 90 है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे पास जो इसका जो रिजोल्यूशन है वो कंप्लीट हो गया यहाँ से। अब हम इसको आगे एनालिसिस करते हैं। अब यहाँ से देखते हैं कि जो एलिमेंट एरिया इसको थोड़ा मैं अलग से क्रिएट करता हूँ। यहाँ से मैं देखता हूँ कि ये जो मेरे पास एलिमेंटल एरिया है दैट इज डी ए और ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, यहाँ से हम देख रहे हैं तो मैं यहाँ से देखता हूँ कि हम जानते हैं कि जो प्रेशर फोर्स होता है कोई भी जो प्रेशर फोर्स होता है वो ऑलवेज एक्ट करता है नॉर्मल टू द एरिया। ठीक है, तो इस डी ए फोर्स के लिए जो एरिया होगा अपने पास में ये कर्व सरफेस है इंक्लाइंड है थीटा डी एंगल पर हॉरिजॉन्टल से, तो डी एफ जो प्रेशर फोर्स एक्ट होगा वो नॉर्मल एरिया पे एक्ट करेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया मेरे पास जो एरिया है इसको मैंने क्या किया रिजोल्व किया वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में। ठीक है, तो इसको मैं जब रिजोल्व करता हूँ तो मेरे पास में क्या वैल्यू आती है ये आपको जाएगी डी ए कोस थीटा और ये होगी डी ए साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर से जो मेरे पास में जो वर्टिकल कंपोनेंट है इस पर तो कौन सा फोर्स एक्ट करेगा इस पर एक्ट करेगा डी एफ एक्स और ये जो मेरे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करेगा नॉर्मल डायरेक्शन में उसका होगा डी एफ वाई। क्लियर यहाँ तक? अब हम देखते हैं कि पर्टिकुलर पॉइंट इस पॉइंट पे जो लगने वाला जो प्रेशर है वो सब एक्स और वाई डायरेक्शन करेगा सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमने जो यहाँ पर जो एलिमेंट कंसिडर किया है वो बहुत ही स्मॉल है जस्ट लाइक ए पॉइंट। ठीक है, और हमने यहाँ से डिफाइन किया था कि इस फ्री सरफेस से पर्टिकुलर डेप्थ एच पे जो ने प्रेशर फाइंड किया दैट इज इक्वल टू रो जी एच। ठीक है, तो जब हमने पास्कल लॉ स्टडी किया था तो पास्कल लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर डेप्थ एच पे और फ्लूड एट रेस्ट पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लगने वाला जो प्रेशर है विच इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पे लगने वाला प्रेशर होगा एक्स और वाई डायरेक्शन में वो किसके इक्वल होगा रो जी एच के। तो यहाँ से मैं प्रेशर फोर्स की बात करूँ तो प्रेशर फोर्स क्या होगा यहाँ से निकालते हम प्रेशर फोर्स डी एफ क्या होगा डी एफ एक्स प्रेशर इंटू एरिया जिसके प्रोजेक्टेड एरिया होगा। ठीक है, डी एफ एक्स। अब यहाँ से देखिए कि डी एफ एक्स है वो इसके नॉर्मल एरिया पे एक्ट कर रहा है दैट मीन्स को डी एफ एक्स वो किसके डी ए साइन थीटा पे एक्ट कर रहा है और इसके अगर हमें थर्ड डायरेक्शन की बात करूँ दैट इज लेट सपोज कि कोई वो यूनिट विड्थ है। ठीक है, तो इसका जो एरिया होगा जिसको इसका प्रोजेक्टेड एरिया होगा वो क्या होगा डी ए साइन थीटा इंटू वन। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा रो जी एच और एरिया क्या होगा अपना डी ए साइन थीटा। ठीक है, वही मैं प्रेशर फोर्स डी एफ की बात करूँ प्रेशर फोर्स डी एफ वाई डी एफ एक्स क्या है फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन एंड डी एफ वाई क्या है फोर्स इन द वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो वाई डायरेक्शन में फोर्स क्या होगा सेम वही रो जी एच और वाई डायरेक्शन के लिए जो इसका प्रोजेक्टेड एरिया है वो क्या होगा डी ए कॉस थीटा। क्लियर यहाँ तक? अब मुझे अगर एक्स और वाई डायरेक्शन में अगर टोटल फोर्स फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा दोनों वैल्यू को इंटीग्रेट करूँगा। तो यहाँ से हम देखते हैं टोटल फोर्स इन द एक्स एंड वाई डायरेक्शंस आर। तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स क्या होगा एफ एक्स जिसको इंटीग्रेट करेंगे अपन डी एफ एक्स को इक्वल टू क्या होगा इंटीग्रेशन रो जी एच डी ए साइन थीटा। ठीक है, इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं अपन तो रो जी को बाहर ले लेते हैं तो यहाँ से क्या होगा एच डी ए साइन थीटा। वही मैं एफ वाई की बात करूँ वाई डायरेक्शन टोटल फोर्स होगा वो क्या होगा एफ वाई इक्वल टू डी एफ वाई रो जी एच डी ए कॉस थीटा
इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, एच डी ए कोस थीटा। देखिए यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है टॉपिक, और इसके जो न्यूमेरिकल्स है वो इसके जो डेरिवेशन है जो अपन जो फाइंड किया है ये न्यूमेरिकल्स ही क्लियर होगी, तो अभी आगे आप देखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। तो यहाँ से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इतना जो डी ए साइन थीटा है वो क्या है, वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ द एरिया डी ए, ठीक है। और जो हमारा जो एक्सप्रेशन है रोजी इंटीग्रेशन एच डी ए साइन थीटा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल प्रेशर फोर्स ऑन द प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द कर्व सरफेस ऑन द वर्टिकल प्लेन, ठीक है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जब भी हम किसी वॉल को देखते हैं, कोई कर्व सरफेस को देखते हैं साइड से देखता हूँ मैं से, इसके परपेंडिकुलर साइड से व्यू करते हैं, तो लेट सपोज कि अपने पास ये कोई डिस्टेंस, लेट सपोज कि डिस्टेंस को आपके पास y हो गई, ठीक है, और इसकी जो परपेंडिकुलर विड्थ है इसकी प्लेन से वो कोई होगी यूनिटी, ठीक है। तो जब इसको मैं साइड से व्यू करता हूँ तो मुझे एक तरह से रेक्टेंगुलर दिखाई देती है, ठीक है, उसका क्या हो गया, एक प्रोजेक्टेड एरिया हो गया इस उसके वर्टिकल प्लेन में, ठीक है। तो यहाँ से जो एक्सप्रेशन है रोजी एच डी साइन थीटा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट द टोटल प्रेशर फोर्स ऑन द प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द कर्व सरफेस ऑन द वर्टिकल प्लेन, ठीक है। वर्टिकल प्लेन में जो अपना प्रेशर फोर्स होगा वो क्या होगा, रोजी इंटीग्रेशन एच डी ए साइन थीटा। जब इसको अपन इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास जो टोटल जो कर्व सरफेस है उसका क्या होगा, उसके जो प्रोजेक्टेड एरिया पर लगने वाला जो फोर्स है वो हमें मिल जाएगा। तो ये जो एफ एक्स की वैल्यू है अभी जब न्यूमेरिकल करेंगे तो हमारी और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, क्लियर है। अब हम देखते हैं कि एफ वाई के बारे में, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स टर्म है, इसको थोड़ा इस तरह से समझते हैं हम कि लेट सपोज कि अपने पास ये कोई कर्व सरफेस थी, ठीक है, और हमने देखा था कि ये जो प्रोजेक्टेड एरिया हमने लिया था दैट इज़ डी ए, ठीक है। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल जो प्रोजेक्शन था वो क्या था अपने पास में, डी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो लेट सपोज कि मैंने यहाँ से कुछ कंसिडर किया कि इसकी जो विड्थ है जो अपने पास कर्व सरफेस है वो कंसिडर किया लेट्स यूनिटी, ठीक है, ये अपने पास क्या थी फ्री वाटर सरफेस। तो यहाँ से मैं देखता हूँ कि ये जो कर्व सरफेस है इसके ऊपर जो ये जो हाइट है ये कितनी है, एच है, और वो कर्व सरफेस भी कंटिन्यू क्या कर रही है, वेरी कर रही है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर जो अपने एलिमेंट कंसिडर किया है जिसका एरिया डी है, ठीक है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, डी ए कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि इस जो प्रोजेक्टेड एरिया के ऊपर का जो एरिया है जो मेरे पास जो सेक्शन है ये एच हो गया और डी ए कोस थीटा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि एच इंटू डी ए कोस थीटा वो ये जो वाटर है इस एलिमेंट के ऊपर का अप टू द फ्री सरफेस, इसका एक तरह से क्या कर रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया शो कर रहा है, एच डी ए कोस थीटा, इसका क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। और अगर इसको मैं अगर एक से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाए, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ द वाटर विच इज़ सपोर्टेड बाय द दिस एलिमेंटल एरिया डी ए, ठीक है। और अगर जब उसका जो मैं अगर उसका इंटीग्रेशन कर दूंगा तो मुझे जो कंप्लीट जो वाटर फिल है अप टू द जो इससे सपोर्टेड है कर्व सरफेस से अप टू द फ्री सरफेस, मुझे इस कंप्लीट का क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं देखता हूँ कि ये पास जो टर्म है रो जी एच डी ए कोस थीटा, तो एच डी ए कोस थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ से वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इस पर्टिकुलर एलिमेंट एरिया के ऊपर जो वाटर फील्ड है, ठीक है। और उसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे कंप्लीट क्या मिल जाएगी, वॉल्यूम मिल जाएगी, ठीक है। और रो जी यहाँ से रो जी क्या होता है, हम जानते थे हमने प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड स्टडी क्या था, वेट डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, रो जी, ठीक है। और हम जानते हैं कि वेट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है, अपना वेट ऑफ द फ्लूड, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एच डी कोस थीटा इज़ द टोटल वॉल्यूम कंटेंट बिटवीन द कर्व सरफेस एक्सटेंडेड अप टू फ्री सरफेस, यानी फ्री सरफेस तक का जो एरिया है उसका क्या हो जाएगा, सॉरी जो वाटर फिलअप है इस कर्व सरफेस से सपोर्टेड है उसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, क्लियर है यहाँ से। और ये जो पास अपने पास जो टर्म है रोजी एच रोटी इंटीग्रेशन एच डी ए कोस थीटा, ये क्या जाएगा, टोटल वेट सपोर्टेड बाय द कर्व सरफेस, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि एफ आई इक्वल टू रोजी एच डी ए कोस थीटा विच इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड supported by the curved surface of लिक्विड, ठीक है। तो यहाँ पर जो y डायरेक्शन में जो लगने वाला जो प्रेशर फोर्स है वो किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ द लिक्विड सपोर्टेड बाय द कर्व सरफेस ऑफ
लिक्विड, ठीक है। ये काफ़ी याद रखने वाली टर्म है, यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कंप्यूटर एग्जाम्स के अंदर, तो इसको याद रखिए, ध्यान रखिएगा कि जो वाई डायरेक्शन लगने वाला जो फोर्स है कर्व सरफेस पे, दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड सपोर्टेड बाय द कर्व सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो टोटल फोर्स होगा और कर्व सरफेस पे वो कैसे निकालेंगे हम। अब हम देखते हैं कि हमारे पास में एफ एक्स एफ वाई की वैल्यू आ गई है, तो हम अब जो हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स है उसको हम निकाल सकते हैं, जो टोटल फोर्स है। तो यहाँ से जो टोटल फोर्स होगा, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, टोटल फोर्स इसको लिख सकते हैं अपन, रिजल्टेंट फोर्स ऑन द कर्व सरफेस, कर्व सरफेस टोटल फोर्स क्या हो गया यहाँ से, एफ इक्वल टू रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई। तो ये क्या होगा, टोटल फोर्स का मैग्नीट्यूड, ठीक है। वहीं मैं डायरेक्शन की बात करूँ, डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, तो डायरेक्शन क्या होगी, टेन फाई इक्वल टू एफ वाई अपॉन एफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्शन क्या जाएगी अपने पास में, टेन इनवर्स एफ आई अपॉन एफ एक्स, ये क्या हो गया अपने पास में डायरेक्शन, और ये क्या होगा अपने पास में, ये जो टोटल फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड, क्लियर है। आई होप आप यहाँ से यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आज हमने देखा कि कर्व सरफेस जो कि लिक्विड में सबमर्ज होती है उस पर जो फोर्स जो एक्ट करता है उसका एनालिसिस अपन किस तरह करते हैं, ठीक है, और उस पर जो फोर्स लगता है उसका जो एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में वो दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, वो हमने देखा। साथ में फाइंड किया टोटल फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो टॉपिक है, ये यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर इसके डायरेक्शन वगैरह पूछते हैं, और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है वहाँ पर इसके कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है ये इसके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। बाकी इसके और कॉन्सेप्ट अच्छे से तब क्लियर होंगे जब आप इसके न्यूमेरिकल करोगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।